सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने शब्द रूप माला के क्रम में सर्वनाम शब्द रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमारे द्वारा किम सर्वनाम का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के बारे में चर्चा की गई थी, शब्द रूप के बारे में। आज मैं पुनः नपुंसक लिंग शब्द रूप के साथ उपस्थित हूँ। किम कौन, किम शब्द रूप, सर्वनाम शब्द के रूप जब आप लोग जान जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रश्न निर्माण करने की जो समस्या है, वाक्य निर्माण करने की जो समस्या है, वो पूरी तरह से हल हो जाती है, पूरी तरह से दूर हो जाती है। किम जो है सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा का स्थान लेने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हम पढ़ेंगे किम नपुंसकलिंग शब्द। किम के कानी प्रथमा, किम के कानी द्वितीया, केन काव्यम कैः तृतीया, कस्मै काव्यम केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काव्यम केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। जब आप इस किम शब्द, किम सर्वनाम शब्द के नपुंसकलिंग रूप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि केवल प्रथमा और द्वितीया को छोड़ करके तृतीया से लेकर के सप्तमी तक किम पुल्लिंग सर्वनाम के समान इसके रूप होते हैं। मतलब किम पुल्लिंग और किम नपुंसकलिंग के रूप समान होते हैं द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। नपुंसकलिंग की विशेषता यह है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है। किम के कानी, किम के कानी। चलिए, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सर्वनाम शब्दों के जो रूप होते हैं उनमें संबोधन विभक्ति नहीं होती है, अर्थात प्रथमा विभक्ति से लेकर केवल सप्तमी विभक्ति तक ही इनके रूप चलते हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। किम के कानी प्रथमा, किम के कानी द्वितीया। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है। केन काव्यम कैः तृतीया, कस्मै काव्यम केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काव्यम केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किम सर्वनाम नपुंसकलिंग के जो रूप है किम सर्वनाम पुल्लिंग के समान होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, केवल आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद रखनी है नपुंसकलिंग के लिए। जब आप किम सर्वनाम नपुंसकलिंग के रूप याद कर लेते हैं तो फिर आपके प्रश्न निर्माण की समस्या और वाक्य निर्माण की समस्या दूर हो जाती है। वस्तुतः किम सर्वनाम नपुंसकलिंग, किम जो सर्वनाम, इसका प्रयोग विशेषणगत भी होता है और प्रश्न निर्माण के लिए भी होता है। चलिए, अब जितने भी नपुंसकलिंग शब्द हैं, चाहे वो अजंत के हों चाहे वो हलंत के हों, उनकी जगह पर अगर आप किम सर्वनाम नपुंसकलिंग रख देंगे, किम नपुंसकलिंग के रूप रख देंगे तो प्रश्न बन जाता है। चलिए, हम अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में जान लेते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग जो है फल के रूप आपको याद होने चाहिए। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीया, फलेन फलभ्यं फलै तृतीया, फल फलाय फलभ्यं फलेभ्य चतुर्थी, फलात् फलभ्यं फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी। ठीक है। फलम फलम पतति, किं पतति फलम पतति, किं फलम फले पततः, के पततः, तो फलम की फले की जगह आप के रखेंगे तो प्रश्न बन जाएगा। के पततः फले पततः, कानी पतन्ति फलानि, फलानि पतन्ति कानी पतन्ति फलानि, किं पतति फलम, के पततः फले, कानी पतन्ति फलानि। ठीक है। अहम फलम पश्यामि, अहम किं पश्यामि फलम, अहम किं पश्यामि फलम, अहम फले पश्यामि, अहम के पश्यामि फले, अहम फलानि पश्यामि, अहम फलानि खादामि, अहम कानि खादामि फलानि।
फलेन फलेन सह पत्रम पतति केन सह पत्रम पतति फलेन ठीक है फलाभ्याम काभ्याम फलैः कैः कैः कस्मै फलाय ठीक है फलाय मित्राय पुष्पाय जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है मोहनः फलाय मोहनः क्षमा करें मोहनः मित्राय फलं ददाति मोहनः कस्मै फलं ददाति मित्राय काभ्याम फलाभ्याम मित्राभ्याम केभ्यः फलेभ्यः मित्रेभ्यः ठीक है वनेभ्यः जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है कस्मात् मित्रात् निश्चयः मित्रात् पुस्तकं प्राप्नोति निश्चयः कस्मात् पुस्तकं प्राप्नोति मित्रात् काभ्यां मित्राभ्यां फलाभ्यां पुष्पाभ्यां केभ्यः पुष्पेभ्यः ठीक है पुष्पेभ्यः गन्धः निसरति केभ्यः पुष्पेभ्यः कस्य फलस्य फलस्य नाम आम्रफलम् कस्य नाम आम्रफलम् फलस्य कस्य फलस्य मित्रस्य नाम रमेशः मम मित्रस्य नाम नरेन्द्रगर्गः मम मित्रस्य नाम गुमानी शंकरः ठीक है कयोः मित्रयोः फलयोः मम मित्रयोः नाम गुमानी शंकरः नरेन्द्रश्च अस्ति केषां फलानां फलानां आम्रफलम् श्रेष्ठः फलानां मित्राणाम् आम्रफलम् मित्राणाम् रमेशः श्रेष्ठः कस्मिन् फले 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 पुष्पे फले पुष्पे चित्रपतंगाः डयन्ते पुष्पे कुत्र या कस्मिन् पुष्पे कयोः मित्रयोः फलयोः पुष्पयोः केषु पुष्पेषु मित्रेषु फलेषु फलेषु आम्रफलम् श्रेष्ठतमः अस्ति ठीक है मित्रेषु मित्रेषु नरेन्द्रः श्रेष्ठतमः अस्ति फलेषु जम्बूफलम् श्रेष्ठतमम् अस्ति ठीक है तो केषु केषु मित्रेषु केषु फलेषु केषु चित्रेषु ठीक है तो हमने अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ा अब इकारांत नपुंसकलिंग वारी ठीक है वारी वारिणी वारिणी प्रथमा वारी वारिणी 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 द्वितीया वारिणा वारिभ्यां वारिभिः तृतीया वारिणे वारिभ्यां वारिभिः चतुर्थी वारिभ्यः चतुर्थी वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः पञ्चमी वारिणः वारिणोः वारिणां षष्ठी वारिणी वारिणोः वारिणीषु सप्तमी वारिषु सप्तमी ठीक है तो किम अब जितने भी ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ठीक है उन सबके रूप उन सबके स्थान पर अगर आप किम शब्द के सर्वनाम नपुंसकलिंग के रूप रखेंगे तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा और प्रश्न भी बन जाएगा वारी पतति किम पतति वारी ठीक है अब द्विवचन में वारी का तो रूप क्योंकि वारी जो है जल है जो है बहुवचन में होता है तो वारी इकारांत इसके समान जितने भी इकारांत शब्द अस्ति दधि दधि पततः अब दधि भी दो नहीं हो सकता क्योंकि दही के दो रूप हो नहीं सकते बहुवचनिक संज्ञा होगी दधीनि पतन्ति दही गिर रहे हैं ठीक है पत्राणि पतन्ति किम अहम दधि खादामि अहम किम खादामि दधि द्विवचन के लिए कानि अहम मोदकानि खादामि ठीक है केन दधीना है ना ददना सह शर्करा अस्ति दही के साथ शर्कर केन सह ददना तो ये केन नपुंसकलिंग जितने भी इकारांत जितने भी शब्द हैं ऐसे उकारांत जितने भी नपुंसकलिंग शब्द हैं उन सब के रूप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं केन ददना सह शर्करां खादामि केन सह ददना काव्याम वारिभ्याम कैहि वारिभिः कस्मै वारिणे मोहनः वारिणे वारिणे प्रार्थनां करोति मोहनः वारिणे प्रार्थनां करोति मोहनः कस्मै प्रार्थनां करोति वारिणे जल के लिए काव्याम वारिभ्याम मधुभ्याम ठीक है केभ्यः
वारिभ्यः वारिणः 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 वैद्यः वारिणः औषधं प्राप्नोति वैद्यः वारिणः जल से औषधं प्राप्नोति औषधि प्राप्त करता है तो वैद्य कस्मात् औषधं प्राप्नोति वारिणः काव्यां वारिभ्यां केभ्यः वारिभ्यः कस्य वारिणः कयोः वारिणोः केषां वारिणां ठीक है कस्मिन् वारिणि ठीक है वारिणि कयोः वारिणोः केषु वारिषु ठीक है तो ईकारांत नपुंसकलिंग हो गया अब है ओकारांत नपुंसकलिंग मधु वस्तु वस्तु वस्तुनि वस्तुनि प्रतिमा वस्तु वस्तुनि 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 द्वितीया वस्तुना वस्तुभ्यां वस्तुभिः तृतीया वस्तुने वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः चतुर्थी वस्तुनः वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः पञ्चमी वस्तुनः वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनां षष्ठी वस्तूनि वस्तुनोः वस्तुषु सप्तमी ठीक है अहं वस्तु आनयामि अहं किम् आनयामि वस्तु आनयामि अहं के आनयामि अहं वस्तूनि वस्तूनि आनयामि अहं कानि आनयामि वस्तूनि वस्तूनि आनयामि अहं किं प्राप्नोमि अहं वस्तु प्राप्नोमि देव द्विवचन के लिए और वो बहुवचन के लिए केन वस्तुना ठीक है केन मधुना केन जानुना ठीक है काव्यां वस्तुभ्यां कैहि वस्तुभिः कस्मै वस्तुने ठीक है वस्तुने वस्तुने काव्यां वस्तुभ्यां केभ्यः वस्तुभ्यः कस्मात् वस्तुनः ठीक है काव्यां वस्तुभ्यां केभ्यः वस्तुभ्यः कस्य वस्तुनः वस्तुनः नाम पुस्तकम् अस्ति वस्तु का नाम पुस्तक है कस्य नाम पुस्तकम् अस्ति वस्तुनः कयोः वस्तुनोः केषां वस्तूनां कस्मिन् वस्तुनि ठीक है कयोः वस्तुनोः केषु वस्तुषु वस्तुषु पुस्तकं श्रेष्ठम् अस्ति वस्तुओं में पुस्तक श्रेष्ठ है तो केषु पुस्तकं श्रेष्ठम् अस्ति वस्तुषु तो अकारांत पुल्लिंग हो गया इकारांत पुल्लिंग हो गया उकारांत क्षमा करें अकारांत नपुंसकलिंग हो गया इकारांत नपुंसकलिंग हो गया और उकारांत नपुंसकलिंग हो गया है इस रूप में हम इनका शब्द रूप अगर हमें याद है तो हम प्रश्न यहाँ पर बना सकते हैं ध्यान रखेंगे थोड़ा सा एक और ध्यान देने की बात यह है कि स्त्रीलिंग में यहाँ पर दंते सकार होता है और पुरलिंग और नपुंसकलिंग में यहाँ पर मूर्धन्य सकार होता है ध्यान रखना है आपको श ये मूर्धन्य सकार है और स्त्रीलिंग में दंते सकार होता है सश्रोता वाला ठीक है तो ये किम शब्द के रूप हम एक बार फिर पढ़ लेंगे किम के कानी केन काव्यम कैहि कस्मे काव्यम केभ्यः कस्मात् काव्यम केभ्यः कस्से कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु एक नपुंसकलिंग के जितने भी रूप हैं चाहे वो अजंत हो चाहे वो हलंत हो अजंत में अकारांत नपुंसकलिंग इकारांत नपुंसकलिंग उकारांत नपुंसकलिंग रीकारांत नपुंसकलिंग ठीक है और अजंत में चाहे वो सकारांत हो नकारांत हो पकारांत हो कोई सा भी हो हलंत में तो उन शब्दों के स्थान पर अगर आप किम नपुंसकलिंग के रूप रख देंगे तो प्रश्न बन जाएगा और ये वहां पर उनके विशेषण का काम भी करेगा आइए अब हम और कुछ जानते हैं नपुंसकलिंग के किम सर्वनाम नपुंसकलिंग के बारे में प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्न निर्माण करना है यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं और उनके नीचे रेखांकन है रेखांकित पद दिए गए हैं उन रेखांकित पद के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है आप लोग किम शब्द के पुरलिंग के भी आप लोग रूप पढ़ चुके हैं स्त्रीलिंग के रूप आप पढ़ चुके हैं नपुंसकलिंग के रूप आप भी पढ़े ही हैं तो हमें जो रेखांकित जो शब्द है उसके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है और प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको मुख्यतया किम शब्द का पुरलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप याद होना चाहिए सर्वनाम के यहाँ पर केवल नपुंसकलिंग के ही रूप के आधार पर मैंने प्रश्न अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न निर्माण कुरु
सह मित्रेण सह भ्रमति। अब आपके याद होना चाहिए कि मित्रेण में कौन सी भक्ति है। मित्रम मित्रे मित्राणि प्रथमा, मित्रम मित्रे मित्राणि द्वितीया, मित्रेण, ठीक है। तो मित्रेण की जगह तो पुरलिंग में या नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक रूप समान चलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पुरलिंग के याद है तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो किम के कानी प्रथमा, किम के कानी द्वितीया, केन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केन। ऑप्शन विकल्प भी दिए गए हैं आप लोगों के पास, ये कया तो स्त्रीलिंग में होता है, कया तृतीय विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग में है। ये मित्रेण नपुंसकलिंग शब्द है तो यहाँ पर केन ही आ जाएगा। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा सह केन सह भ्रमति, सह मित्रेण सह भ्रमति। प्रश्न क्या हो जाएगा, केन सह भ्रमति, मित्रेण। अहम वारी पिबामी, मैं जल को पीता हूँ या जल पीता हूँ। यहाँ पर वारी में कौन सी भक्ति है, प्रथमा का एक वचन भी है, द्वितीय का एक वचन भी है, ठीक है। किंतु कर्मणि द्वितीय से द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय भक्ति का एक वचन आया हुआ है। तो काम, काम तो स्त्रीलिंग का, का के का हा काम के, तो काम तो स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, किम जो है, कम जो है पुरलिंग का है, जबकि वारी जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, किम, किम, अहम किम पिबामी, अहम किम पिबामी, अहम वारी पिबामी, अहम जलम पिबामी, ठीक है। तत्र वस्तूनि सन्ति, वहां पर वस्तुएं हैं, ठीक है। तत्र तो वस्तूनि, तो किम के कानी, तो यहाँ हो जाएगा कानी। तत्र कानि सन्ति, तत्र कानि सन्ति, तत्र वस्तूनि सन्ति, ठीक है। दारुभिः सह पत्राणि पतन्ति, तो दारुभिः तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। तो तृतीय से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान रूप चलते हैं किम के। तो क्या हो जाएगा, किम के कानी केन काव्याम कई ही, तृतीय विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा कई ही। विकल्प दिया हुआ है कई ही, एक के तो प्रथमा का बहुवचन, ठीक है, पुल्लिंग में, और नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दारु भी सह, तो कई ही सह पत्राणि पतन्ते, दारु भी सह, कई सह दारु भी सह। वस्तुनः नाम मोदकम अस्ति, वस्तु का नाम लड्डू है। तो वस्तुनः षष्ठी भक्ति का एक वचन आया हुआ है, तो यहाँ पर कस्मात में पंचमी भक्ति का एक वचन है, यहाँ पर कस्य में षष्ठी भक्ति का एक वचन है। वस्तु के रूप याद होंगे तो आप निश्चित रूप से इसको हल कर पाएंगे। वस्तुनः कस्यः, कस्य नाम मोदकम, कस्य नाम मोदकम अस्ति, वस्तुनः। अयम अक्षणा काणः अस्ति, यह आँख से काणा है। एनांग विकारेण, एनांग विकार इति सूत्रेण, हम विभक्तियों का चर्चा, विभक्तियों की चर्चा बाद में करेंगे। अयम अक्षणा काणः अस्ति, अक्षणा तृतीय विभक्ति का एक वचन आया हुआ है, अक्षि है ना, अक्षि, अक्षि, अक्षिणी, अक्षिणी प्रतिमा, तो प्रथमा द्वितीय से, फिर अक्षणा तृतीय विभक्ति एक वचन। तो अयम अक्षणा काणः अस्ति, तो यहाँ कया स्त्रीलिंग का है, ये तृतीय विभक्ति एक वचन, यहाँ ये आया हुआ है केन, तो प्रश्न बन जाएगा अयम केन काणः अस्ति, केन, अयम केन, केन काणः अस्ति, अक्षणा। तत्र अस्थीनां संग्रह अस्ति, वहाँ पर अस्थियों का, हड्डियों का संग्रह है, ठीक है। तो अस्थीनां, यहाँ पर बना आया हुआ है केषां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, रूप याद है इसे आप लोगों को। जनाः फलानि त्रोटयन्ति, लोग फल को तोड़ते हैं। फलानि किम के कानि, तो यहाँ क्या हो जाएगा कानि, प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन कानि। जनाः, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन कानि, कानि तो जनाः कानि त्रोटयन्ति, फलानि त्रोटयन्ति। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम और कुछ किम सर्वनाम नपुंसकलिंग के बारे में थोड़ा सा और अभ्यास कर लेते हैं। विभक्तिम वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन आप लोगों को लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, हमने तीनों पुरलिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के रूप पढ़ लिए हैं। यहाँ पर केवल
नपुंसकलिंग के रूप दिए गए, लेकिन नपुंसकलिंग के रूप तत्व भक्ति से सप्तमी भक्ति तक पुरलिंग के समान चलते हैं। तो यहाँ पर आपको परिचय देना है, पद परिचय देना है कि कौन कौन सी भक्ति है, कौन कौन सा वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जब आप पाठ पढ़ते हैं तो पाठ में वहाँ पर पाठ में आपके वहाँ पर पुरलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो पद है उसके आधार पर आप इसका पद परिचय दे सकते हैं। कस्मै मान लो अगर पाठ में पेड़ के लिए आया है, पुरलिंग वाची शब्द के लिए आया है, तो फिर आप वहाँ क्या इसका उत्तर क्या लिखेंगे, पुरलिंग ठीक है चतुर्थी एक वचनम। अगर मान लीजिए चतुर्थी भक्ति का एक वचन, अगर मान लीजिए नपुंसकलिंग के लिए आया है तो फिर यहाँ पर आप लिख लेंगे ये तो इसमें पुरलिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है ठीक है, पुरलिंग नपुंसकलिंग ठीक है। किम पुरलिंग चतुर्थी एक वचनम, किम नपुंसकलिंग चतुर्थी एक वचनम, मान लो वनाय फलाय तो फिर वहां पर नपुंसकलिंग चतुर्थी एक वचनम। केन यहाँ पर वही पुरलिंग और नपुंसकलिंग तृतीया एक वचनम, क्या हो जाएगा इसका तृतीया एक वचनम। अगर मान लो पुरलिंग में दिया गया है तो पुरलिंग आ जाएगा पुरलिंग तृतीया एक वचनम, नपुंसकलिंग में आया हुआ है तो नपुंसकलिंग तृतीया एक वचनम। कस्मात यहाँ पर वही पुरलिंग नपुंसकलिंग पंचमी एक वचनम। जब आप रूप याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा एक वचनम। कई ही यहाँ पर भी वही है पुरलिंग और नपुंसकलिंग तृतीया बहुवचनम, तृतीया बहुवचनम। किम अब यहाँ पर तो किम तो जो होता है नपुंसकलिंग में होता है, तो इसका उत्तर क्या देंगे हम, नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीया एक वचनम, क्योंकि ये प्रथमा भी बनता है द्वितीया में भी बनता है एक वचनम ठीक है। किम के काने काने अब ये नपुंसकलिंग और प्रथमा और द्वितीया बहुवचनम, किम के कानी ठीक है मित्रों। के अब ये के जो है पुरलिंग में तो बनता नहीं है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, तो ये किसमें क्या हो जाएगा पुरलिंग और स्त्रीलिंग, पुरलिंग में जाएगा स्त्रीलिंग में जाएगा प्रथमा द्वितीय द्विवचनम। अब यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि के जो शब्द है ये के प्रथमा बहुवचन में बनता है, किम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पुरलिंग में कह कौ के, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं पुरलिंग में पुरलिंग 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 में बहु क्षमा करें पुरलिंग में तो बहुवचन हो जाएगा और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन हो जाएगा, पुरलिंग में बहुवचन ठीक है, पुरलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में प्रथमा द्वितीया द्विवचन। केशु तो यही पुरलिंग नपुंसकलिंग सप्तमी बहुवचनम, सप्तमी का बहुवचनम यहाँ पर द्वितीया है ध्यान रखना है, सप्तमी बहुवचनम। इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं और प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, वाक्य निर्माण कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लग रहे हैं, कृपया अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। पुनः नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।